Hey my little learners, how are you all? Hope you are doing well. In today's video, we will learn to do paint with cotton swab. Yes, we will use earbuds to do many interesting painting today. And if you are a parent, if you have not had your kids painting with cotton Q-tips, then I urge you to go ASAP. It is really simple to set up. You can leave your toddler or preschooler to be as expressive as they like. It turned out very nice and easy. They loved it and made many sheets of widely painting using humble Q-tips and some paint bricks. It would be wonderful to see them being so creative and using all the papers. So you can give them this task. So without wasting time, let's get started. हाँ तो बच्चों, हम लोगों को कॉटन बर्ड से पेंटिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? सबसे पहले हम लेंगे कॉटन बर्ड्स. कॉटन बर्ड्स आप लोगों ने देखिए, ये जो होते हैं ना कॉटन बर्ड्स, इनसे हम लोग पेंटिंग करेंगे. उसके बाद हमें चाहिए होंगे कलर्स. आप लोग कोई भी कलर्स ले सकते हो, इट इज अप टू यू, आपकी चॉइस से है. लेकिन आपको वाटर कलर ही लेने हैं, ओके? और आपको अगर कोई पिक्चर बनानी है तो आपको पेंसिल कलर्स भी ले सकते हो या सिंपल पेंसिल भी ले सकते हो, और इरेजर की भी ज़रूरत पड़ेगी. ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ड्राइंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी पेंटिंग करेंगे. हमारी जो कॉटन बर्ड्स होती हैं वो थोड़ी ऐसी दिखती हैं, तो इसको हम दोनों तरफ से पेंट इस पर यूज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए, और इससे हम बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बना सकते हैं. ड्राइंग करने के लिए किसी कंटेनर में आप लोग थोड़ा सा पानी वाटर भी ले सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलिए अब हम बनाते हैं आइसक्रीम कोन. You all like ice creams. अब हम लोग ice cream cone बनाएंगे, फिर उसकी painting करेंगे. तो ice cream cone बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को scale लेना है और pencil लेनी है, और फिर बस शुरू हो जाना है. एक line ऐसे slanting line बनाएंगे. अपनी स्लैंटिंग लाइन के बाद हम एक और स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और इसको एक कोन का शेप देंगे. लाइक दिस. अब हम एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन. अब हम बनाएंगे बबल बबल आइसक्रीम की क्रीम. जब आप लोगों की आइसक्रीम कंप्लीट हो जाए तो उसको आप किसी पेंसिल कलर से या ब्लैक पेंसिल कलर से या फिर किसी डार्क पेंसिल से थोड़ा अच्छे से आउटलाइन कर लीजिए, तो वो हाईलाइट हो जाएगा. लाइक दिस. अब ये डार्क करने के बाद आप लोग ऐसे करके लाइंस बना लिएगा इसमें, स्लैंटिंग लाइंस, और फिर उसको क्रॉसिंग लाइन भी बना के दिए जाएगा.
हमारी आइसक्रीम कोन बनने वाली है। ये इट इज रेडी। नाउ अब हमारा टर्न है पेंटिंग का, और पेंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कॉटन बर्ड्स। फिर हम अपने कॉटन बर्ड को लेकर डिप करेंगे कलर्स में। तो अब हम ले रहे हैं रेड कलर। और अगर आपके वाटर कलर्स थोड़े थिक हैं तो पहले आप अपने कॉटन बर्ड को वाटर में डिप करिए, फिर कलर में डिप करिए, और फिर हम करेंगे अपनी पेंटिंग, कॉटन बेस्ड पेंटिंग। वाओ, जस्ट लुक एट इट, दे आर लुकिंग सो नाइस। Perfectly done. अब हम अपनी कोन को पेंट करेंगे। वहाँ आपको कोई भी कलर दो, और जो व्हाइट हम यहाँ पे ब्लू कलर ले रहे हैं। जस्ट पुट डॉट लाइक अब एक और कलर कोई लेके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वेरी नाइस। ऐसे ही करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज की पिक्चर्स ड्रॉ कर आप लोग अपनी कॉटन बर्ड से इजी पेंटिंग कर सकते हैं। देखिए ये एक और मैंने पेंटिंग की है, मिकी माउस पेंटिंग। यू कैन ड्रॉ योर मिकी माउस एंड कलर इट विद योर फेवरेट कलर, एंड यू कैन डू मैनी मोर ड्राॅइंग लाइक दिस। आप लोग एक बटरफ्लाई भी बना सकते हो और उसको अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर सकते हो, और जो है आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, लाइक आप कोई फ्लावर वॉस में भी बना सकते हो, और वो बनाकर उसको आप अच्छे से अपने कॉटन बर्ड से फिल कर सकते हो। हम लोग एक आइसक्रीम स्टिक भी बना सकते हैं लाइक दिस, और ये वाली जो होती है ना लॉली आइसक्रीम्स, और उसकी हमने टू आईज भी बनाई है। अब हम जो है इसको कलर करेंगे अपने कॉटन बर्ड से। यू कैन टेक एनी कलर ऑफ योर चॉइस। Yellow dots. Now we will take another color and we will dip the bird into it. White dots. Wow, looking creamy and yummy.
So you can complete your ice cream with different colors. Thanks for watching my video. You can follow me on Instagram. Please like, share, and subscribe to my channel.